हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे राजस्थान प्रीवेटनरी टेस्ट एग्जाम 2020 के बारे में। ठीक है ना, कि इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाकर जो इसके रिजल्ट के बारे में काउंसलिंग प्रोसेस और जो ईमेल के माध्यम से आपको जो है ओमार सीट प्राप्त होगी उसके बारे में भी मैंने आपको जो है अच्छी तरीके से बता दिया है। आज जो मैं आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और आपकी जो रिजल्ट की डेट है वो है 6 अक्टूबर 2020। ठीक है ना, 6 अक्टूबर 2020 को आपका रिजल्ट भी जो है राजवास द्वारा जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के, कि काउंसलिंग प्रोसेस जो है किस प्रकार रहनी है। अब आपने जो है अपनी कट ऑफ भी जो है मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है वीडियो, तो आप कट ऑफ भी आपने देखी होगी, लगभग उतनी ही रहेगी। और देखिए, अब आपकी जो है आंसर की और आपको ओमार सीट भी अपनी जो है ईमेल पर मिल ही गई होगी, तो आप देख सकते हैं कि आपके अगर अच्छे नंबर बन रहे तो फिर आप काउंसलिंग भी करवाओगे। और काउंसलिंग के करवाते वक्त आपको जो है निम्न बातों का जो है ध्यान भी रखना है। तो सबसे पहले अगर हम रिजल्ट की बात करें तो वो आ जाएगा 6 अक्टूबर 2020 को जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप जो है आसानी से देख सकोगे कि हमें कौन सी कॉलेज में। अब हम पहले हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगी। काउंसलिंग प्रोसेस जो प्रोसेस 2019 में रही थी वही रहनी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के इस प्रकार से कमेंट है कि सर हमारे तो है ना नेम में, फादर नेम, मदर नेम, DOB आदि में जो है करेक्शन हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम हो गई इनमें जो है हमारा नाम सही नहीं लिखा गया, तो अब हम क्या करें। उनको जो है मेरा यही कहना है कि आप जो है बिल्कुल भी ना घबराए, ठीक है ना, बिल्कुल भी उदास ना हो, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम हो वो एकदम सही हो जाएगी। जब आप काउंसलिंग करवाओगे ना तब जो है आपके जो है एप्लीकेशन ID नंबर के माध्यम से जो है वापस जो है आप कुछ भी करेक्शन करना चाहते हो नेम में, अपने फादर नेम में, मदर नेम में, वो आप जो है आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मुझे तो है ना मेरी DOB भी है वो गलत है, क्योंकि देखिए DOB जो आपके जो आधार कार्ड है आपका उसमें DOB और आपके जो 10th and 12th की जो मार्कशीट है उसकी DOB जो है सेम होनी चाहिए। आपको कुछ भी जो है अपनी तरफ से करेक्शन नहीं करना है, इस बात का आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर हम बात कर लेते हैं, देखिए DOB का जो है सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, DOB की गलती मत कर देना, ठीक है। मैं तो एक बार, क्योंकि काफ़ी बार 2019 में भी ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने अपने, जिनका नंबर भी उनके काफ़ी अच्छे थे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से लेकर उनके जो है कुछ प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि उनके आइडेंटिटी कार्ड और जो उन्होंने काउंसलिंग करवाई थी उस वक्त जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं थी, ठीक है ना। और काउंसलिंग करवाते वक्त मैं भी आपको जो है और भी बता दूंगा, काउंसलिंग प्रोसेस सेम वही है जो कि 2019 में काउंसलिंग प्रोसेस रही थी। और देखिए हम इस नोटिस को भी आसानी से देख सकते हैं, और देखिए अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो हमें देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डिस्प्ले ऑफ आंसर के वेबसाइट पर है वो 25/9/2020 को यानी शुक्रवार को जो है डाल दी जाएगी, तो आज जो है आप चेक भी कर सकते हैं आसानी से, जो डिस्प्ले ऑफ आंसर के वो यहाँ पर जो है आपको मिल ही जाएगी, ठीक है ना। और जो है अपनी आंसर के जो है अपनी ईमेल पर आप जो है वो कब मिलेगी वो भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, वो जो है आपको कल मिल जाएगी यानी शनिवार को 26 जो है सितंबर 2020 को आपको जो है लगभग 5 बजे तक जो है आपको जो है अपने ईमेल एड्रेस पर मिल जाएगी। अब काफ़ी स्टूडेंट का ये भी कमेंट है कि सर हमारे तो ईमेल आईडी में भी प्रॉब्लम हो चुकी है, ईमेल आईडी हमने ऐसे ही जब मित्र वाले ने बोला कि ईमेल आईडी चाहिए तो उन्होंने अपनी तरफ से ईमेल आईडी लिख ली, अब हमें पता नहीं है। तो देखिए अभी के लिए कोई बात नहीं, आप अगर जिस मित्र वाले से आपने फॉर्म फिल किया उसको बोल दो कि आपने जो ईमेल आईडी दी थी वो कौन सी है वो हमें बता दे, तो अगर आप उस जो है उसके माध्यम से भी ये जो है कर सकते हो। और जब अपनी जो है आप काउंसलिंग करवाए ना तब आप जो है अपनी तरफ से ईमेल आईडी बनवा लेना, इसमें कोई ज़्यादा मतलब खर्चा नहीं होता है, ईमेल आईडी अपनी पर्सनल होनी चाहिए, तभी जो है सभी नोटिफिकेशन आजकल जो है जो अपनी ईमेल आईडी है उसी पर आती है, ठीक है ना। तो ईमेल आईडी का भी खास करके ध्यान रखिए, क्योंकि आगे की जो भी आपकी प्रोसेस रहेगी ना वो भी आपको जो है ईमेल आईडी के माध्यम से ही बताई जाएगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूज हो तो मुझे आप जो है कमेंट के माध्यम से बता दें। मैंने जो है कट ऑफ का वीडियो भी बना दिया है और जो नए भी कुछ भी राजवास के द्वारा जो नया नोटिस आता है तो मैंने आपको जो है प्रोवाइड कराया है।